हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर नगर निगम दिल्ली की निगम पार्षद कांग्रेस से हैं प्रेरणा जी। प्रेरणा जी, आज बजट जो चल रहा है कैसा लग रहा है आपको बजट, क्या खामियां नजर आ रही हैं आपको? खामियां, ये बजट पूरी तरीके से किताबी बजट है। दिल्ली की जनता को फायदा पहुंचाने वाला इसमें कुछ भी नहीं है। निगम पार्षदों को बजट की घोषणाएं तो कर दी जाती हैं, मगर उस पर अमल नहीं होता। पिछले साल भी निगम पार्षदों को एक रुपए का पैसा नहीं मिला अपने इलाकों में विकास कार्य करने के लिए, और इस साल भी 1 करोड़ रुपए अनाउंस तो हुआ है, मगर मुझे उम्मीद नहीं है कि इसमें से कुछ भी सच हो पाएगा। तो ये पूरी तरीके से किताबी बजट है, जुमलेबाज बजट है, और दिल्ली की जनता को इस बजट से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपको लगता है कि आने वाले भविष्य में कुछ होगा? देखिए, भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही पूरी तरीके से विफल रही हैं। पूरे 4 साल हमने यहाँ पर दोनों पार्टियों की नूरा कुश्ती देखी है। दोनों की नियत और नीति साफ नहीं है। दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके इन्होंने 4 साल बर्बाद किए हैं, और मुझे लग रहा है आने वाला 1 साल भी ऐसे ही निकलेगा। तो ये पूरी तरीके से विफल नगर निगम है। पूरी तरीके से भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही विफल रही हैं नगर निगम को चलाने में, और जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रेरणा जी, 5 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि 5ों सीटों पर हम लोग जीत दर्ज करें। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता पहली बात कांग्रेस को जिताना चाहती है, कांग्रेस को वापस सत्ता में लाना चाहती है, और मुझे पूरी आशा है कि 5ों सीटें हम लोग जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे प्रेरणा जी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम से निगम पार्षद थी हमारे साथ। कैमरामैन अभिषेक के साथ धर्मेंद्र कुमार, लाइव न्यूज़ दिल्ली।